हाय एवरीवन, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड ये हमारी सेकंड वीडियो है। और अपनी फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की कुछ डिफरेंट टाइप्स पे जो है वो बात की थी। और अगरचे तो आप वो वीडियो देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे फैक्ट्रीज़ में, वेयर हाउसेज में या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हैंड पैलेट ट्रक पे। हैंड पैलेट ट्रक को मैनुअल पैलेट जैक भी कहा जाता है, हैंड जैक भी कहा जाता है, पैलेट जैक भी कहा जाता है, मतलब मुख्तलिफ नाम हैं जिनसे इन हैंड पैलेट ट्रक्स को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। हैंड पैलेट ट्रक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जिसे यूज़ करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए किसी भी किस्म की स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक मिनिमल नॉलेज के साथ भी जो है वो जो ऑपरेटर है वो इसे ऑपरेट कर सकता है और या जो यूज़र है वो इसे यूज़ कर सकता है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में ये जो हैंड पैलेट ट्रक है ये यूज़ किया जाता है मटेरियल की मूवमेंट और मटेरियल की स्टोरेज के लिए, और ख़ास तौर पर वो मटेरियल जो कि पैलेटाइज हो, मीन्स वो मटेरियल जिसकी स्टोरेज या मूवमेंट पैलेटाइज परफॉर्म की जाती हो, वहाँ इन हैंड पैलेट ट्रक्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। और इन सम केसेस विदाउट पैलेटाइज मटेरियल भी जो है वो इन हैंड पैलेट ट्रक से हैंडल किया जा सकता है। हैंड पैलेट ट्रक ग्राउंड स्टोरेज को परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मीन्स अगरचे तो आप अपनी फैक्ट्री में, वेयर हाउस में या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में किसी भी तरह के रैकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं तो उन रैकिंग सिस्टम्स की जो ग्राउंड लोकेशन है वहाँ ये हैंड पैलेट ट्रक जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ मटेरियल और फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। एक हैवी ड्यूटी हैंड पैलेट ट्रक की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 1000 kg टू 3000 kg जो है वो हो सकती है, डिपेंड अपॉन दी कि वो किस ब्रांड का हैंड पैलेट ट्रक है या किस मेट का है। और इसकी कॉस्ट $300 टू $1300 होती है। अगेन ये डिपेंड कर सकता है कि वो कितना हैवी हैंड पैलेट ट्रक है। अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो ये कॉस्ट अराउंड कोई 50,000 टू 2,50,000 बनती है। और अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो अराउंड 25,000 टू 1,00,000 इंडियन रुपीज़ में जो है वो एक अच्छा हैंड पैलेट ट्रक जो है वो आप परचेस कर सकते हैं। हैंड पैलेट ट्रक के जो फॉक की लेंथ है दैट इज़ 48 इंच, और ये 48 इंच इसलिए है क्योंकि जो ISO अप्रूव्ड पैलेट साइजेज़ हैं उसमें 40x48 इंच का जो पैलेट साइज है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैलेट साइज। वैसे पैलेट से रिलेटेड मेरी डिफरेंट वीडियोज़ हैं और उसमें ISO अप्रूव्ड पैलेट साइजेज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वुडन पैलेट से रिलेटेड मेरी कुछ वीडियोस हैं। और अगरचे तो आप वो वीडियो देखना चाहें तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मेरे चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मौजूद है पैलेट से रिलेटेड। हैंड पैलेट ट्रक का जो अपना वेट है वो 70 kg टू 120 kg हो सकता है। अगेन ये डिपेंड करेगा कि वो कितना हैवी ड्यूटी हैंड पैलेट ट्रक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी हैंड पैलेट ट्रक, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या फर्दर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहें देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।